अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शराज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड बैंकिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक दो तरह के टर्म डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहा है, एक है मेच्योरिटी बेस और दूसरा है मंथली। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली वाले में इन्वेस्टमेंट करें। तो पहले बात कर लेते हैं खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट की, जो कि आपको देता है आफ्टर मेच्योरिटी प्रॉफिट। इसमें आप 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी एज 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए और डिपॉजिट की कम से कम हद 5,000 रुपए है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट भी नहीं है, जितना चाहे मर्जी इन्वेस्टमेंट करें। और इसके फीचर्स भी बहुत ही आला हैं। दूसरे नंबर पर है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट, जो कि आपको दे रहा है मंथली प्रॉफिट निकालने की सहूलत। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कम से कम लिमिट 25,000 रुपए है और मैक्सिमम आप जितना चाहे मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फीचर्स दोनों के सेम है, इसके अंदर मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा और जो दूसरे जो मैंने पहले बताया उसके अंदर आफ्टर मेच्योरिटी है। इसके अंदर भी आप 12 महीने, 24 महीने और 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा मंथली बेसिस पे। फीचर्स इसके बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि आपको प्रॉफिट मंथली बेस पर मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत भी ये आपको देते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। एटीएम फैसिलिटी है इनकी अक्रॉस अ वन लिंक नेटवर्क। इंस्टेंट एसएमएस अलर्ट है एवरी ट्रांजैक्शन पर। आपको पर्सनलाइज चेकबुक आपको दे रहे हैं और IBFT भी दे रहे हैं। और सबसे जबरदस्त बात जो इनकी ये है, 24/7 कॉल सेंटर रिस्पॉन्स है इनका, जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक से भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल बैंक इस तरह का ऑप्शन नहीं देता। आई होप आपको खुशहाली के दोनों प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे। और खुशहाली को लेकर जो आपकी क्यूरीज हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते इसमें क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो कुछ हद तक दूर हो गई होगी।